हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा और आप सभी का स्वागत है। चलो लर्न करते हैं। मैं जाने गया हूँ कि मैं आज UKG का इंग्लिश का सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, UKG का सिलेबस जो है, इसका मैंने वर्कशीट तैयार किया है, वो इस तरह से है। देखिए, साउंड ऑफ वोवेल्स जो है वो आएंगे AEIOU से, ठीक है। इसमें वही ए साउंड में BAT, BET, CAT, KET ये सब। इसका लॉन्ग ए साउंड भी दिया जाता है UKG में, लॉन्ग ए साउंड, जैसे लॉन्ग वर्ड्स के, जैसे PLAY प्ले, BAKE बेक, ये लॉन्ग ए साउंड है, ठीक है, लॉन्ग वर्ड्स के ए साउंड केक। उसी तरह ई साउंड के LEAF लीफ, BEAK बीक, NEAT नीट, इस तरह से दिए जाते हैं। उसी तरह आई के लॉन्ग वर्ड्स ये हैं। उसी तरह ओ साउंड के, ये देखिए, GOAT गोट, ROSE रोज, ROAD रोड। और उसी तरह यू साउंड के हैं, JUIC, ये सब जो है वो लॉन्ग वर्ड्स हैं। अब UKG में आपको डेज ऑफ द वीक भी बच्चों को दिया जाता है, संडे मंडे। तो आप क्या करें, संडे मंडे उन्हें याद कराएं और फिर उसके बाद फिर फिल करने के लिए दें उन्हें, जैसे SUN, तो यहाँ हो जाएगा UNDAY संडे, MONDAY मंडे। अब नेक्स्ट है मंथ्स ऑफ द ईयर, तो इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से हम बच्चों को फील करने के लिए देंगे, उन्हें याद कराएंगे। बच्चों को आपको याद कराने के लिए देखिए आसान तरीका ये हो सकता है, जैसे जनवरी फरवरी में देखिए लास्ट वाला जो UARY है, ये दोनों में आ रहा है, तो आप बच्चों को इस तरह से याद करने के लिए दे सकते हैं कि बेटा जनवरी में भी देखो UARY है, फरवरी में भी UARY है, तो बच्चों को अच्छे से सहूलियत होगी याद करने में। उसी तरह मैं आपको और बता देती हूँ, उसी तरह देखिए सितंबर में भी EMBER है, ठीक है। उसी तरह नवंबर में भी EMBER है, ये देखिए EMBER है, और दिसंबर में भी EMBER है। तो आप इस तरह से बच्चों को बोल सकते हैं कि बेटा ये तीनों में EMBER है, याद रखना, और इस तरह से स्पेलिंग याद कर लेंगे बच्चे, उन्हें आसानी होगी, आई होप उन्हें आसानी हो। उसी तरह ये है आइडेंटिफाई द पिक्चर, जैसे इसमें बॉल का मैंने फोटो दे दिया, बैट का दे दिया, सन का दे दिया, तो इसमें बच्चों को आता है स्पेलिंग लिखने के लिए, BALL बॉल हो जाएगा, BAT बैट हो जाएगा, इस तरह से SUN सन हो जाएगा, KITE काइट, ये मैंने रेट बनाया है, RAT रेट, ये अम्ब्रेला, UMBRELLA अम्ब्रेला। अब UKG में आता है ज्वाइन द वर्ड्स, बहुत ही ईजी होता है ये। इसमें जैसे दे दिया जाता है BATH बाथ प्लस ING, उसी तरह एक्शन वर्ड्स पे आते हैं UKG में, जिसमें किंग, प्लेइंग, डांसिंग ये सब सिखाया जाता है, BATH प्लस ING, तो बच्चे क्या लिखेंगे, BATH ING। उसी तरह कुकिंग है तो COOK ING, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करके ये वर्ड बनाना है। अब नेक्स्ट आता है अपोजिट वर्ड्स, कम है तो गो हो जाएगा, हॉट है तो कोल्ड हो जाएगा, इसी तरह फैट का थिन, गुड का बैड, अप का डाउन, डे का नाइट, ब्लैक का वाइट, और बिग का स्मॉल हो जाएगा। हम चाहें तो इसमें मैच भी दे सकते हैं मैचिंग करने के लिए, जैसे देखिए के मैंने कम का लिख दिया गो, तो गो से मैच हो जाएगा, और हॉट का कोल्ड। अब नेक्स्ट है A to Z, इसमें क्या करना है बच्चों को, स्पेलिंग लिखना है। कहीं कहीं आपको स्कूल में दो वर्ड्स दिए जाते हैं लिखने के लिए, कहीं एक ही वर्ड से हो जाता है, तो जैसे A है तो A for Apple, A for Ant, B for Bat, B for Ball, इस तरह से बच्चे लिखेंगे दो दो वर्ड्स। और UKG में कर्सिव राइटिंग से ही लिखना सिखाया जाता है बच्चों को। नेक्स्ट वर्कशीट है यूज ऑफ A and N, जैसे वोवेल्स इसमें होते हैं 5, AEIOU, तो जब कोई वर्ड वोवेल से शुरू होगा तो वहाँ लगेगा ANN, और जब कोई वर्ड का जो शुरू वाला लेटर है वो वोवेल नहीं रहेगा, कॉन्सोनेंट रहेगा, जैसे T कॉन्सोनेंट है, AEIOU में शामिल नहीं है, तो यहाँ लगेगा, यूज होगा A, अ टेबल। उसी तरह C भी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ भी होगा यूज अ चेयर, ठीक है। अब देखिए यू है, यू अम्ब्रेला है, वोवेल में शामिल है, तो यहाँ होगा ANN, तो इस तरह से मैं बच्चों को समझाना होगा। आर्टिकल्स पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है AN और द पर, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसे चेक करके वीडियो देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है साउंड ऑफ EE, इसमें देखिए EE का साउंड दिया जाता है, जैसे SWWT स्वीट, EE देखिए इसमें शामिल है, EE है सब में, तो स्वीट, ग्रीन, स्लिप, स्पीड, व्हील, वीक, तो ये सब सारे EE साउंड के हो जाएंगे।
इसी तरह यूकेजी में डबल ओ साउंड के भी वर्ड्स आते हैं, जैसे सी डबल ओ के कुक, बी डबल ओ के बुक, जी डबल ओ डी गुड, ये सब आप देख ही रहे होंगे, ये सारे वर्ड्स डबल ओ साउंड के आ जाएंगे। ये भी पूछा जाता है यूकेजी में, लेकिन कहीं कहीं ये स्कूल पे डिपेंड करता है कि कहीं पूछते हैं कहीं नहीं भी पूछते हैं। अब नेक्स्ट है पेयर वर्ड्स, इसमें बैट एंड बॉल, शूज एंड सॉक्स, ये सब पेयर वर्ड्स दिए जाते हैं, ब्रेड एंड बटर, ठीक है, टेबल एंड चेयर। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह से बच्चों को याद कराना होता है या फिर फील करने के लिए भी आता है, जैसे बैट एंड लिखा हुआ, यहाँ फील करना है बच्चों को, तो यहाँ क्या फील होगा, बैट एंड बॉल, तो यहाँ पर बॉल फील हो जाएगा। तो इस तरह से हम बच्चों को दे सकते हैं। इसी तरह हैंड एंड फिट, नाइफ एंड फॉक, देखिए यहाँ पर मैंने मैच करने के लिए भी दिया है, जैसे बैट है बॉल है, तो बच्चों को इस तरह से मैचिंग करना, ब्रेड एंड बटर, इस तरह से बच्चे मैचिंग करेंगे, टेबल चेयर हैंड एंड फीट, इस तरह से। अब नेक्स्ट है दिस एंड दैट का यूज। अब देखिए जैसे मैंने फोटोज में बॉल को पास रख दिया है और कैट को दूर रख दिया, तो हमें बच्चों को इस तरह समझाना है कि जो पास में हो वहाँ पर दिस का यूज़ करेंगे और जो दूर हो वहाँ दैट का यूज़ करेंगे। तो बॉल पास में है तो यहाँ दिस का यूज़ करेंगे, दिस इज़ अ बॉल, और कैट दूर है, ठीक है, तो दूर है यहाँ से, तो फिर हम क्या करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। हमें बच्चों को इस तरह समझाना कि जो तुम्हारे पास हो वहाँ दिस, जो तुमसे दूर हो वहाँ दैट, इस तरह से यूज़ करना है हमें। उसी तरह हम सारे चीज़ बच्चों को बताएंगे। अब है जैसे दिस जो डोज का यूज, इसमें क्या करना है कि इसमें बस जो प्लूरल है एक से अधिक हो और वो पास में हो, तब वहाँ बच्चों को बोलना है कि दिस का यूज़ करना है। दिस मतलब भी ये सब होता है और डोज मतलब वो सब होता है, तो दिस का प्लूरल होता है दिज, तो यहाँ हो जाएगा दिज, क्योंकि ये पास में है और एक से ज़्यादा फ्लावर है, इस यहाँ पर दिज का यूज हो गया क्योंकि ये पास में है। अब उसी तरह डोज का, डोज प्लूरल होता है दैट का, तो एक देखिए दूर है, दूर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डोज का यूज़ करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा है, तो टी एच ओ एस ई दोस आर एक्स, अगर एक एक रहता तो हम दैट का यूज़ करते हैं। उसी तरह ट्री है, ट्री भी दूर है, एक से ज़्यादा ट्री है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे दोज, अगर एक ट्री हो जाता तो क्या यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं, इस तरह हम बच्चों को समझाएंगे। अब है रेमिंग वर्ड्स, इसमें एक जैसे वर्ड लिखने के लिए दिए जाते हैं, जैसे काओ हो गया, तो काओ हाओ नाओ ये हमें लिखना है। उसी तरह कैट का फैट रेट, बॉय का ट्वाय ज्वाय, कुक का बुक लुक, कोयल का बॉयल सोयल, डेट का लेट गेट, और कार का फार जार। अब है मेक प्लूरल, इसमें हमें प्लूरल बनाना है, जैसे बॉय का बॉयज़ हो जाएगा, ट्री का ट्रीज हो जाएगा, बलून का बलून्स हो जाएगा, ठीक है, बॉयज सब में एस लगाना है, ओके। यहाँ ये डबल ओ है बलून में, तो पेंसिल का पेंसिल्स, ज्वाय का ज्वाय, सॉरी ट्वाय का ट्वाइज, स्टार का स्टार्स, तो इसमें सब में एस लगाना है। हम मैचिंग करके भी करने के लिए भी बच्चों को दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है कलर्स नेम, इसमें क्या करेंगे, बच्चों को कलर्स नेम याद करवाएंगे और उन्हें फील करने के लिए देंगे, इस तरह से बच्चे से हम लोग फील करवाएंगे। जैसे मिल्क इज़ वाइट, तो बच्चा कलर्स को पहचानता है, इसलिए वो लिख देगा लीफ इज़ ग्रीन, अ रोज इज़ रेड, आवर हेयर इज़ ब्लैक, इस तरह बच्चे को देंगे। अब नेक्स्ट है ही और सी का यूज, ही और सी पर भी मैंने, ही सी हीजर पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहे तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे दिस इज़ नीता है यहाँ पर, तो यहाँ नीता गर्ल है, फीमेल पर्सन है, इसलिए यहाँ पर सी का यूज हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट दिस इज़ रोहन, तो रोहन बॉय का नाम है, मेल पर्सन है, तो मेल पर्सन के साथ होता है ही का यूज, तो यहाँ हो जाएगा दिस इज़ रोहन, ही इज़ अ बॉय, इस तरह हम बच्चों को बताकर ही सी फिल करवाएंगे। अब नेक्स्ट है हीज़ और हर का यूज, तो जिस तरह से मेल पर्सन में ही का यूज़ करते थे, उसी तरह हीज का यूज भी मेल पर्सन के साथ होगा, जिसका अर्थ होता है उसका और या फिर उसकी, ठीक है। तो जैसे ही इज़ अ बॉय है, लड़का है, तो यहाँ पर दिस इज हिज पेन हो जाएगा, यह उसका पेन है, दिस इज हिज पेन। अब है सी इज़ नीता, सी है यानी फीमेल पर्सन है, इसलिए हर का यूज़ होगा, तो दिस इज हर ट्वा, यानी फीमेल पर्सन के साथ हर और मेल पर्सन के साथ हीज का यूज होगा, ये उसका खिलौना है। तो इस तरह से हम हीज और हर बच्चों से फील करवाएंगे, मेल पर्सन और फीमेल पर्सन को बताकर, ही इज़ अ डॉक्टर, तो दिस इज अ हीज कार हो जाएगा, क्योंकि ही का यूज हुआ है। उसी तरह सी इज़ अ टीचर, सी का यूज हुआ, इसलिए दिस इज अ हर बुक हो जाएगा, ओके।
ओके फ्रेंड्स, ये तो ये था यूकेजी का सिलेबस और मैंने वर्कशीट तैयार किया। आई होप आप इस तरह से वर्कशीट तैयार करके बच्चों को बताएं, बच्चे भी अच्छे से मन लगाकर पढ़ेंगे और समझेंगे भी। ओके, तो मेरा वीडियो यहीं तक था, और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जो कि रेड कलर में नीचे बटन है उसे आपको प्रेस करना है अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो, और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक तुरंत पहुँचे। ओके फिर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।